वो क्या होता है और सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको बिल्कुल बेसिक से चूंकि मैं बताता हूं आपको हरी वीडियो में मैं हर एक पर्टिकुलर वीडियो में ये कोशिश करता हूं कि आपको चीजें बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से मिलनी शुरू हो जाए तो यहां पे भी मैं वही पूरी कोशिश करूंगा और आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि टॉर्क होता क्या है से लेके टॉर्क कैसे बनता है कितना बनता है उस मोटर के अंदर किसी भी एक जनरलाइज फॉर्म में किसी भी एक डीसी मोटर के अंदर कितना टॉर्क बन रहा है वो सारा कुछ हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में तो ये आज का वीडियो का कंटेंट है और तुरंत शुरू करते हैं अपना कंटेंट बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट एस स्टार्ट द कंटेंट ऑन टॉर्क इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर ठीक है तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि एक डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क वर्ड हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये क्या चीज होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग uh, जो है वो इलेवन ट्वेल्थ से ही पता होता है ऑलरेडी और कई स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी इसका मीनिंग नहीं पता चल पाता है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ठीक है आप आ, मुझे पता है कि आप लोग मशीन वगैरह पढ़ते हो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ये सारा कुछ बहुत सारा कुछ चीज आप पढ़ते हो टॉर्क स्पीड का आ, ग्राफ आप लोग ट्रेस करते हो बहुत सारा कुछ होता है लेकिन कई बार मैं देखा हूँ कई बार स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है कि उनको एग्जैक्ट फॉर्म में पता ही नहीं होता है कि टॉर्क होता क्या है एक मशीन में टॉर्क कैसे एक्ट कर रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है क्या सिग्निफिकेंस है किस कंडीशन में टॉर्क बन रहा है तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में तो स्टे कनेक्टेड मजा आएगा ध्यान से देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को टॉर्क इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर तो भाई टॉर्क इक्वेशन में सबसे पहले आपको यह समझना है जरूरी है कि टॉर्क होता क्या है सो वॉट इज अ टॉर्क तो चलो आपको पहले एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि टॉर्क क्या होता है बोर्ड पर देख सकते हो आप द टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट अ एक्सिस अबाउट एन एक्सिस इज एज अ टॉर्क क्या होता है कोई भी एक बॉडी है उस पर रोटेशनल मोशन जब होना शुरू हो रहा है ठीक है उसके लिए आपने कोई फोर्स लगाया एक सर्टन उसकी रेडियस होगी और वो एक सर्कुलर मोशन जो है एक रोटेशनल मोशन जो है अगर वो ट्रेस कर रही है तो वो जो ट्विस्टिंग फोर्स एक एक्सिस के अबाउट लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क दैट इज रिफर्ड एज टॉर्क और इसको जो हम डिनोट करते हैं बेसिकली इसको वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बट नॉर्मली इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो इससे डिनोट करते हैं ऐसा सटाउ से डिनोट करते हैं ठीक है ऐसा कुछ ऐसा लिखा रहता है सो दैट इज अ टॉर्क कोई जैसे डीसी मोटर है उसकी आर्मेचर पे अगर लग रहा है तो ऐसे आर्मेचर टॉर्क टाउ ए से डिनोट कर लेते हैं इसको हम लोग ठीक है सो दिस इज अ टॉर्क टॉर्क का सिग्निफिकेंस क्या होता है अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाके उसको देखो जहां पर मैंने आपको डिटेल्ड फॉर्म में बताया है कि बैक ई क्या होता है किसी भी मशीन का मशीन की बैक ई में आर्मेचर करंट और टॉर्क का कुछ रिलेशन मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है ठीक है तो जल्दी से जाके पहले उस वीडियो को देख लो उसके बाद इस वीडियो को देखना तभी मजा आएगा टॉर्क का जो सिग्निफिकेंस है यहां पे अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आर्मेचर करंट के हिसाब से आप ये आपकी मशीन ये ये डिसाइड कर सकती है या आपकी मशीन जो होती है उसमें आप लोड के अकॉर्डिंग टॉर्क वेरी करना जरूरी होता है अगर एक मोटर चल रहा है चलो एकदम आसान भाषा में बात करते हैं हम लोग कि अगर एक मोटर रनिंग कंडीशन में है बिल्कुल जनरलाइज फॉर्म में बताऊंगा तो उसकी शाफ्ट पे अगर मैं सडनली एक मैकेनिकल लोड लगा देता हूं तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी गिर जाएगी तो अब उसको उस लोड को लेके घूमना जब है तो उसको ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा टॉर्क के लिए वो ज्यादा हेवी करंट ड्रॉ करेगा आपके सिस्टम से तो टॉर्क का रोल क्या होता है कि उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए उसका वो जो रोटेशनल मोशन होता है उसे एग्जैक्ट फॉर्म में, में मेंटेन करने के लिए हमको टॉर्क की जरूरत पड़ती है ठीक है तो वही टॉर्क क्या होता है वो कैसे बनता है और कितना आ, किस 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 चीज पे उसकी मैग्नेट्यूड डिपेंड करती है आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो चलो टॉर्क के बारे में और आप कैसे समझ सकते हो टॉर्क के बारे में चलो आप और बोल सकते हो कि इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज अ रोटेशनल मोशन इन अ मशीन क्या होता है मतलब एक क्वांटिटेटिव मेजर है किस चीज का मेजर है टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स कौन सी फोर्स जो रोटेशनल मोशन किसी मशीन के अंदर इंप्लीमेंट करवाएगी या अवेलेबल करवाएगी आपको एक मशीन के अंदर अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसके लिए जो फोर्स लग रहे हैं लगाया जा रहा है उस फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजर है उस फोर्स की की टेंडेंसी क्वांटिटेटिव मेजर जो होती तो, तो स्क्रीनशॉट तो हो भी ले लिया होगा सो so दैट आपको बेसिक पता चल जाएगी वॉट इज अ टॉर्क अब क्या करते हैं एक लास्ट तरीका और, एक, एक और है जो टॉर्क के बारे में मुझको आपको बताना है बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन पार्ट आपको मैं ये बता दूं कि टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला एक कंस्ट्रक्शनल फीचर्स मशीन के क्या क्या है कंस्ट्रक्शन वाइज उसके अंदर कौन कौन से पार्ट अवेलेबल है उनके ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा उसके ऑपरेशनल पैरामीटर्स सो वी कैन से दैट अ टॉर्क डिपेंड्स अपॉन कंस्ट्रक्शनल एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स डेरिवेशन के लास्ट में मैं ये सेम स्लाइड आपको फिर से दिखाऊंगा वापस से आएंगे और फिर से इसी के बारे में बात करेंगे ठीक क्विकली चलते हैं टॉर्क के डेरिवेशन के पार्ट के अंदर और देखते हैं कि एक डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का क्या सिग्निफिकेंस है कैसे वर्क कर रहा है कैसे आ, किन किन चीजों के ऊपर टॉर्क डिपेंड कर रहा है तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन पार्ट अभी अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक टॉर्क जो होता है चलो पहले यहां लिख लेते हैं कि टॉर्क ऑन अ मोटर एक डीसी मोटर पे बनने वाला टॉर्क इसका हम लोग पूरा करने जा रहे हैं डेरिवेशन डेरिवेशन शुरू करने से पहले एक कंडीशन का अज्यूम करना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए एक कंडीशन अज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं देखो टॉर्क से आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जहां पर भी रोटेशनल मोशन होगा वहीं पर टॉर्क की जरूरत पड़ेगी लीनियर मोशन के लिए आपको टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ रही है ठीक है जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वहां पे टॉर्क की जरूरत पड़ रही है यानी कोई सर्कुलर सेक्शन को एक सर्कुलर बॉडी को एक उसका एक सर्कुलर पाथ या रोटेशनल पाथ बोलना चाहिए वो ट्रेस करवाने के लिए आपको टॉर्क की जरूरत पड़ती है तो अगर ये टॉर्क लग रहा है तो ऑब्वियसिंग अपने आप ये बॉडी तो घूमना शुरू नहीं हो जाएगी ना कि शुरू हो जाएगी बोल सकते हो आप कि अगर इस बॉडी का एक रेडियस में यहां से यहां तक ट्रेस करके बता दूं आपको और इस रेडियस को बोल दूं कि इसको मैं आर मीटर्स से डिनोट करता हूं आर मीटर्स ठीक ये इस बॉडी का रेडियस है ठीक है ये इसका सेंट्रल एक्सिस पॉइंट है राइट right? अब क्या होता है इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती है सपोज कर लेते हैं दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दैट इज रेफर्ड एज दिस फोर्स इज रेफर्ड एज कैपिटल एफ न्यूटन्स ठीक है इसके ऊपर एक एफ न्यूटन्स का फोर्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिया इस बॉडी के ऊपर और ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर सेक्शन है ये एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोशन जो है वो यहां पे ट्रेस कर रहा है इसका जो रोटेशन है ये इसका डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज उंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये हमारी आ, एक गिवन कंडीशन है जिसके लिए हम टॉर्क की डेरिवेशन करने आए हुए हैं यहां पे ठीक एक बार फिर से सारी चीजें समझ लो सर्कुलर बॉडी है आर रेडियस है फोर्स फोर्स इसके ऊपर एक्ट एक्ट कर रहा है इस force के act करने के करने कारण ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ये ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने जा रही है ठीक है तो अब इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा कुछ दिखेगा अब इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा कुछ दिखाई देगा तो ये जो देखो पर्टिकुलर बॉडी है ना ये अब ऐसा रोटेट करना शुरू करेगी ये अब ऐसा घूमना शुरू करेगी ठीक है तो ये अपने ही एक्सिस के अप्रोक्स यानी अब ये एक्सिस जो है ना ये नहीं चेंज हो रहा है जैसे अभी जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो देखो इसका एक्सिस बदल जा रहा है तो एक्चुअल में इसका एक्सिस नहीं चेंज हो रहा है एक्चुअल में ये बॉडी कैसे रोटेट कर रही है एक्चुअल में आप इसको अगर देखोगे तो ये कैसे रोटेट कर रही है अगर ये पूरा सिस्टम है ठीक है और इसका रेडियस अगर मैं यहां पे ऐसा शो कर दूं आपको कुछ इस फॉर्म में ठीक है और इसके ऊपर फोर्स आपको पता है ऐसा डाउनवर्ड्स लग रहा है तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ना ये अपने ही एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट कर रही है ये इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ऐसे घूम रही है पूरी की पूरी बॉडी ठीक है ये क्लियर है आपको चलो इसको हटा देते हैं अभी यहां से तो ऐसा कुछ यहां पे वर्क कर रहा है ठीक इस पूरे सिस्टम के लिए अब हम टॉर्क की डेरिवेशन करने वाले हैं तो ध्यान रखना कि, कि किसी भी डीसी मोटर के अंदर जो मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं वो कब मिलेगा आपको तो एक पहले डीसी मशीन का एक कंसेप्ट अपने माइंड में आप लोग क्लियर कर लो क्या क्लियर करना है डीसी मशीन के लिए आप बोलोगे यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं डीसी मोटर की बात कर रहा हूं ठीक है तो आप बोलोगे इसका इनपुट पावर क्या होता है इनपुट पावर इज इलेक्ट्रिकल ठीक है इनपुट तो निकल नहीं देते हो ना आप तो इट इज हैविंग एन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर और इसका आउटपुट पावर जो होता है द आउटपुट पावर इज मैकेनिकल ठीक इसको पी आउट से डिनोट कर सकता हूं मैं और इसको मैं पी इन से डिनोट कर सकता हूं बहुत सारे बुक्स में अलग अलग नोटेशन भी यूज होते हैं तो वो दैट इज टू यू कि आप कौन सा नोटेशन यूज करना चाह रहे हो यहां पे, ठीक है मैं आपको शुरू में ये चीज बता दे रहा हूं कि मैं इनपुट पावर और आउटपुट पावर के लिए पी इन और पी आउट का नोटेशन जो है वो यूज करने वाला हूं सो दैट आपको ये चीज क्लियर रहे कि कहां पे किस पावर की बात करूंगा जब मैं आपको बोलूंगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट पावर तो मतलब वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं बैक बैकईएमएफ आर्मेचर करेंट्स उस चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा इनपुट जो है दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकल इनपुट और जब मैं आउटपुट की बात करूंगा तब तो मैं यहाँ पे फोर्स एक्सेलरेशन

आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि अभी हम दो पावर की बात करने वाले हैं टॉर्क से पहले दो टाइप की पावर की बात कर रहे हैं एक इनपुट पावर है जो इलेक्ट्रिकल है उसकी सारी क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रहेगी और एक दूसरा होगा आउटपुट पावर जो मैकेनिकल इन नेचर है और जिसका सारा क्वांटिटी जो होगा मैकेनिकल इन नेचर होगा मैकेनिकल फॉर्म में अवेलेबल है क्लियर है यहां तक आगे बढ़ते हैं चलो डिस्कशन में अब यहां पर क्या होता है ना अब अजम्पशन पार्ट शुरू करते हैं उस डायग्राम के साथ तो जब आप सेमेस्टर एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये दो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ये आपके माइंड में सेट रहेगा पहले से आपको पता रहेगा ये चीज ये आपको इस अपने आंसर शीट पे लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ये आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए था तो अब आगे समझते हैं क्या चीज है नाउ अस अज्यूम दैट अ मोटर ज रनिंग इन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है भाई या तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है तो फिलहाल इस डायग्राम को देख के आप बोल सकते हो कि ये मशीन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है अगर थोड़ी देर पहले मैंने काउंटर क्लॉकवाइज बोला होगा तो आप बिल्कुल ध्यान देना अपने लॉजिक के साथ कि दैट वाज आल्सो अ कंडीशन लेकिन यहां जो डायग्राम ड्रॉन है इसके हिसाब क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैं अब यहां पर बोल रहा हूं कि लेटर्स अज्यूम दैट अ मोटर इज रनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन अबव ठीक है अब ये जो रोटेट कर रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी एंगुलरली रोटेट कर रही है इस एक्सिस पे तो एंगुलर वेलोसिटी होगी तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा कि विथ एन एंगुलर वेलोसिटी भाई किससे डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा यूनिट इसकी रेडियंस पर सेकेंड क्या होता है भाई ओमेगा ये चीज ध्यान रखना आप लोग भाई ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है जहां पर भी एंगुलर मोशन होता है वहां हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है और ओमेगा जो होता है उसको और क्या लिख सकते हैं फेयर भाई ओमेगा की वैल्यू आप लोग सभी स्टूडेंट्स अगर एसी का चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको बता होगा बता चुका है मैंने वहां कि ओमेगा इज टू पाई एफ आप लोग जरा सोच के बताओ व्हाट इज एफ एफ इज फ्रीक्वेंसी तो लिख लेते हैं हम लोग वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ठीक है एंड वी ट एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड बोल सकते हो आप फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड अब वन अपॉन टाइम पीरियड है तो मेरे पास टाइम पीरियड है कितना एक्चुअल में पहले तो वो पता कर लेते हैं तो ये पता होना चाहिए आपको साथ में कि वेयर वेयर टाइम पीरियड इज 60 अपॉन एन ध्यान रखना ये चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं ये आपको पता रहना चाहिए इसको लिखने के पीछे मेरा जो रोल है मेरा जो इंपॉर्टेंस है मतलब जो चीज मैं सोच रहा हूं वो ये है कि मुझे क्या पता करना है मुझे इसकी जो जो फ्रीक्वेंसी चाहिए और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा एंगुलर वेलोसिटी uh, में जिसके यूनिट पर सेकेंड के फॉर्म में है और यहां पर जो मैं डेटा यूज कर रहा हूं एन का वेयर एन क्या होता है वेयर चलो लिख ही लेते हैं वेयर एन क्या होता है एन इज स्पीड इन आर पी एम रेवोल्यूशंस पर मिनट रोटेशन पर मिनट मिनट के फॉर्म में ठीक है तो टाइम पीरियड को मैं अगर जैसे मुझे उसको सेकेंड्स के फॉर्म में चाहिए तो मैं सिक्सटी अपॉन एन के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूं और इसको जब मैं यहां पर प्लेस करूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन सिक्सटी अपॉन एन दैट इज इक्वस टू एन अपॉन सिक्सटी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ माई फ्रीक्वेंसी ठीक है तो टाइम फॉर वन रेवल्यूशन विल बिकम सिक्सटी अपॉन एन एंड दैट विल लीड टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अपॉन सिक्सटी तो अब मैं अगर इस पूरी वैल्यू को यहां पे लाके प्लेस कर दूं तो नाउ नाउ इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई इन टू एन बाई सिक्सटी तो ये ओमेगा की वैल्यू हमको यहां से मिल जाती है इस पॉइंट पे ठीक है तो स्पीड के फॉर्म में रोटेशन के फॉर्म में टाइम के फॉर्म में हम इसको ऐसा डिनोट कर सकते हैं तो ये एक पार्ट तो हमारा क्लियर है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ध्यान से समझना मैकेनिकल पावर में पहले एक साइड निकाल के उसको फाइनल वैल्यू पे पहुंचाता हूं पावर के फॉर्म में फिर राइट हैंड साइड पे मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आऊंगा फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इन दोनों पावर्स का कैसे यूज करना है तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग क्या कर रहे हैं तो अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई एंगुलर वेलोसिटी कितना है इसका वो मिल चुका है ठीक आगे देखते हैं अब और क्या करना है फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वी नो दैट अब टॉर्क पे आते हैं हम लोग और आप सभी ने स्कूल में पढ़ चुका है द टॉर्क प्रोड्यूस्ड वी नो दैट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द गिवन मशीन द टॉर्क प्रोड्यूसड इन द गिवन मशीन कैन बी गिवेन एज कैन बी गिवन एज टाउ इज इक्वस टू फोर्स इंटू रेडियस बिल्कुल सिंपल फॉर्म में टॉर्क को बता रहा हूं मैं टॉर्क को आप कैसे डिनोट कर सकते हो फोर्स इन टू रेडियस के फॉर्म में सर्क्युलर बॉडी है यहां से देख सकते हो आप ये ये सर्क्युलर बॉडी है और इस पर कितना टॉर्क बन रहा है आपको ये पता लगाना है ये जो सर्कुलर बॉडी है इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसको किससे डिनोट करोगे आप इसको फोर्स के फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हो फोर्स इनटू रेडियस के फॉर्म में ठीक है तो अब यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एज फोर्स इंटू रेडियस ठीक है तो अब फिर इसके आगे क्या लिखते हैं नाउ Also we can say that, also we can say that. अच्छा इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं ठीक अब यहां पे एक चीज और हम बोल सकते हैं कि टॉर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर्ड बाय द मशीन सो ऑल्सो वी कैन से दैट द टॉर्क इज गिवेन एज फोर्स इंटू द डिस्टेंस कवर्ड भाई मुझको अगर इसको वर्क डन के फॉर्म में बताना है तो मुझको बताना पड़ेगा ना कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो अब वो डिस्टेंस कवर हुआ वो लीनियरली मोशन तो कर नहीं रहा है वो तो सर्कुलरली रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मुझे ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा ये डिस्टेंस मिलेगा उस सर्कुलर सेक्शन की सर्कम के फॉर्म में क्या बोला मैंने ये जो डिस्टेंस मुझको मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड वो कैसे मिलेगा उस सर्कुलर फॉर्म जो सर्कुलर मशीन थी हमारी ये जो सर्कुलर मशीन जो हम लोगों ने यहां पे बना के रखा हुआ है छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको फिर से एक बार यहीं पे। तो इस मशीन के साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं ना ये देखो ये फोर्स मैं अप्लाई कर रहा था यहां पे, ठीक है और इसको एफ से डिनोट कर लेते हैं इसको आर से डिनोट कर लेते हैं और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन था ठीक तो ये जो डिस्टेंस कवर कैसे मुझको पता चलेगा अगर मैं इस सेक्शन की अपने भाई सरकम में ही घूमेगा सेम एक्सिस की अक्रॉस ही रोटेट कर रहा है तो सरकम को कैसे डिनोट करूंगा इट विल बी डिनोटेड बाय टू पाई आर यही तरीका है सरकम को डिनोट करने का तो अब मैं बोल सकता हूं कि टॉर्क विल बी गिवन एस फोर्स इन टू पाई आर और ये टू पाई आर क्या है सरकम तो अगर किसी के माइंड में ये चीज आ रहा होगा कि सर टू पाई आर क्यों लिखे तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो टॉर्क है उसके अकॉर्डिंग एक एक्सिस के अक्रॉस अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टू पाई आर के फॉर्म में उसकी सरकम को ही आप बता सकते हो कि कितना डिस्टेंस ही कवर करेगा ठीक है अब इसके आगे देखते हैं फिर और क्या चीज होगा देन देर आफ्टर वी कैन राइट द मैकेनिकल पावर the mechanical power developed by the motor is given as is given as mechanical power can be denoted as PM or P output. तो इसकी मैकेनिकल पावर जो है इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं वी कैन राइट इट एज पी आउटपुट और सबसे पहले तो आप बिल्कुल पावर के बेसिक में चले जाओ और वहां से समझ लो कि पावर होता क्या है तो पावर इज नथिंग बट इट इज वर्क डन रिस्पेक्ट टू टाइम कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ दैट इज पावर बिल्कुल इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको ठीक है इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं आएगी आपके माइंड में

आई कैन राइट दाइम इज सिक्सटी अपॉन एम ठीक तो अब चलो इसको सीधा ले आते हैं P आउटपुट आउटपुट पावर देखो इसका नोटेशन अलग भी हो सकता है किसी बुक्स में पी एम लिखा हुआ मिलेगा मैकेनिकल पावर और कई कई बुक में और अलग अलग फॉर्म में पी वन पी टू के फॉर्म में डिनोट करता है मैं पर्टिकुलरली पी आउट और पी इन के फॉर्म में लिखता हूं क्योंकि बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए क्रिस्टल क्लियर ठीक सो पी आउटपुट शुड बी गिवन एज एफ इन टू टू बाई आर और एन ऊपर चला जाएगा तो एन अपॉन सिक्सटी क्या ये क्लियर है आप सभी को ये समझ में आ रहा है ना ठीक है तो आउटपुट पावर मैं यहां तक तो डिफाइन कर लिया हूं अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है जो प्रीवियसली हम लोग लिख चुके हैं ठीक है इसी इसी लाइन के अंदर पहले हम लोग कहीं पे लिख चुके हैं वो चीज अब वापस आने वाली है सो so, अब मैं लिखूंगा वी नो दैट वी नो दैट एफ इन टू आर क्या होता था जरा बताओ वी नो दैट एफ इन टू आर अरे इसको इतना छोटा नहीं करते हैं चलो तो दिखेगा नहीं आप लोगों को एफ इन टू आर भाई एफ इन टू आर क्या होता था याद करो इक्वेशन वन पे आ जाओ इक्वेशन वन में पहले लिखा हुआ है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इन जो रेडियस ऑफ द डिवाइस है रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन है तो अब जब मेरे पास इस इक्वेशन में जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एफ और आर दोनों ही चीजें मल्टीपल्स में तो एफ इंटू आर को मैं क्या बोल सकता हूं टॉर्क बोल सकता हूं ये टॉर्क किस सिस्टम पर डेवलप हो रहा है दिस इज डेवलपिंग इन आर्मेचर ये पूरी देर जो मैं इतनी देर तक जो मैं टॉर्क लिख रहा था दैट इज आर्मेचर टॉर्क भाई आर्मेचर सिस्टम के अंदर से ही तो ये डेवलप हो रहा है ना मैंने क्या आपको पहले बताया था कि टॉर्क जो है वो मशीन की कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन यही दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो कंस्ट्रक्शन वाइज और ऑपरेशन वाइज दोनों ही सिस्टम में टॉर्क तो आर्मेचर के अंदर बन रहा है क्योंकि आर्मेचर कहां है रोटर के अंदर है तो रोटर ही तो रोटेट हो रहा है तो हमारा आर्मेचर टॉर्क के फॉर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं ठीक सो so, और ये कहां से आया दिस इज फ्रॉम इक्वेशन वन फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको रेफर करके ले आए सो वी कैन से सो वी कैन से आउटपुट पावर पी आउट विल बी इक्वल टू द आर्मेचर टॉर्क टाउ ए अब मैं एफ और आर को यहां से हटा देता हूं और जो रिमेनिंग है उसको मल्टीपल में वैसे ही छोड़ देता हूं तो टू पाई एन बाई सिक्सटी देखो इस डेरिवेशन को करने के ना बहुत सारे और भी तरीके होते हैं बहुत सारा इजीएस्ट तरीका भी है और इससे लेंदीएस्ट तरीका भी है मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग चूंकि देखो मैं बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही ये समझ के टारगेट करके मैं बना रहा हूं इन चीजों को और इतने डिटेल्ड फॉर्म में बता रहा हूं अदरवाइज मैं कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के हिसाब से तो मैं इनफैक्ट तीन से चार लाइन में खत्म कर देता इस डेरिवेशन को ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपके लिए ना मतलब मेरे लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को विद कंसेप्ट समझाऊं सारी चीजें आप जब उस चीज को पढ़ रहे हो तो आप अपने स्कूल लेवल में जो आपने पढ़ा हो उससे रिलेट भी कर पाओ उसी से नेक्स्ट उसी की उसी लेवल की नेक्स्ट सीढ़ी है ये जहां पे आप जो जिस चीज को आप पढ़ रहे हो तो आप अपने स्कूल लेवल से रिलेट भी कर पाओ और आपको वो एडवांस लेवल वाली फील जो है वो भी इसमें मिलती जाए कि अब जब आप एडवांस लेवल की चीजें पढ़ोगे तो आप इसको कैसे समझोगे कैसे अंडरस्टैंड करोगे ठीक है इसी मोटिव के साथ मैं इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ जाए थोड़ा ज्यादा देर तक चल जाए ये डेरिवेशन फिर आपको पूरा क्लियर हो कि एंटायर डेरिवेशन कैसा है लेकिन ये समझाना मेरा मोटिव है कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए कंटिन्यू करते हैं इसी को आगे सो आउटपुट पावर इज टाउ ए इंटू टू पाई एन अपॉन सिक्सटी और इसी को मैं अपनी फाइनल वैल्यू जो है ये आउटपुट पावर की मान के रख लेता हूं इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन ए क्लियर है सभी को आउटपुट पावर मुझको मिल गया एक मशीन का इस फॉर्म में डिनोट हो रहा है ठीक ये मेरा आउटपुट पावर है इसको मैं साइड में लिख भी लेता हूं दिस इज मैकेनिकल आउटपुट दिस इज द मैकेनिकल आउटपुट पावर ऑफ अ डीसी मोटर मैकेनिकल आउटपुट पावर लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती क्योंकि डेरिवेशन चल रहा है टॉर्क का पावर का नहीं ठीक है तो so चलो अब शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट शुरू करते हैं नाउ नाउ द इलेक्ट्रिकल इनपुट नाउ द इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर ऑफ डीसी मशीन कैन बी गिवन एज अब इसकी इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को किससे बता सकते हैं हम लोग कैसे शो कर सकते हैं तो इसके पीछे भी बहुत सारा कुछ है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर कैसे बन रहा है कितना बन रहा है वो भी अगर पता लगाना है आपको तो चलो एक बिल्कुल शॉर्ट सा आ, मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाऊं इसके बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताऊं बट फिर भी एक चीज बताना जरूरी होगा मुझे कि एक छोटा सा चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक एक डीसी मोटर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसा एक सिंपल एक डीसी मोटर लगा हुआ है यहां इस मोटर की कनेक्शन के साथ इनपुट सप्लाई है वीटी जो टोटल सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सप्लाई वोल्टेज वीटी यहां से जो करंट जा रही है दिस इज आई टोटल करेंट ठीक अब ये करंट जो है ये जब आर्मेचर के पास पहुंची तो इट हैज बिकम आई ए आरमेचर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा दैट इज गिवन एज आर ए और यहां पे बनती है एक चीज जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था दैट इज ई बी और ध्यान रखना ई बी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट एक्ट करता है अपने सप्लाई वोल्टेज के इतना हम बेसिक चीज जानते हैं किसी भी एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ डीसी मोटर के अंदर ठीक अगर ये डीसी मोटर है तो इसका सर्किट डायग्राम जो होगा कुछ ऐसा बनेगा ये कंडीशन कौन सी है जहां पे सीरीज शंट ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है कुछ भी नहीं पता है एक जनरल फॉर्म का डीसी मोटर है तो उसके अंदर सारी इतनी सारी चीजें इतनी क्वांटिटीज देखने को मिलेगी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं क्या डिराइव कर रहे हैं अभी इनपुट पावर फाइंड कर रहे हैं कि अब इनपुट पावर जो है वो तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में मिलेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपको लिख दी वो आउटपुट पावर जो था दैट वॉज इन मैकेनिकल टर्म्स तो वहां पर हम लोगों ने टॉर्क स्पीड आरपीएम इन सब की बात की ठीक है तो अब इस डायग्राम के हिसाब से आपके पास कैसा इक्वेशन बनेगा आउटपुट का वो ट्रेस कर लेते हैं सो so, अब इसमें ये सारी चीजें आपको पता है ना कि वीटी क्या है आईटी क्या है आई ए आर ये सारा कुछ क्या है तो मैं लिख नहीं रहा हूं दोबारा ठीक है इसमें टाइम लग जाएगा सीधे सीधे मैं आपको डेरिवेशन पार्ट पर लेके चलता हूं सो फ्रॉम द गिवेन सर्किट डायग्राम इस गिवन सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वी टी इज इक्वल टू टूबी प्लस आई ए आर ए VT टू इबी प्लस आई ए आर मुझे लगता है कि ये ज्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा ठीक हो सकता है उस आप में से अभी कुछ को डाउट रह जाएगा कि सर ये कैसे हुआ तो इसको चलो और थोड़ा बेसिक से समझा देता हूं मैं आपको इस इन सभी क्वांटिटीज का एक दूसरे से क्या रिलेशन है उसको एक लाइन में एक्सप्रेस कर देते हैं इक्वल टू जीरो कर देंगे कैसे करेंगे चलो यहां लिख लेते हैं वीटी माइनस आई ए आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू जीरो ठीक देअर फोर वी कैन से दैट वी टी इज इक्वस टू ईबी प्लस आई ए आर ए एक फॉर्म है हमारे पास ठीक है तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया ई बी क्योंकि अपोजिशन ऑफर कर रहा है और आई ए आर एज एक्टिंग एज अ ड्रॉप तो इनका आप सम कर दोगे तो कितना आपने इनपुट दिया था वो आपको मिल जाएगा ठीक ये लिखा हुआ है यहां बोर्ड पे. तो अब आगे देखते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं देखो हमको आई के फॉर्म में वैल्यू अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विथ आई ए आर्मेचर करेंट देयर फोर लिख सकते हैं वी टी इंटू आई ए इज इक्वल टू ईबी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए यही मिलेगा ठीक है अब यहां से देखो ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन का यहां से देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इक्वेशन का ये किस चीज को शो कर रहा है आई स्क्वायर आर को शो कर रहा है तो जहां पे आप बोल सकते हो कि वेयर आई ए स्क्वायर आर ए इज द ड्रॉप या पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट सिस्टम के अंदर पावर का लॉस जो कि हीट के फॉर्म में हो रहा है ठीक है सो दैट इज डिनाइटेड बाई आई ए स्क्वायर आर ए इतने पार्ट को आप हटा दो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस अगर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं जो कि आइडियली वर्क कर रहा है प्रॉपर कंडीशन uh, में तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर वी टी इन आई ए कैन बी गिवेन एज ई बी इंटू आई ए डायरेक्टली ऐसे ठीक और ये हमारा ये जो एंटायर सेक्शन है दिस इज आवर पावर पी इनपुट सो मैं बोल सकता हूं कि और इनपुट पावर या इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी गिवन एज ई बी इन टू आई ए और ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन बी याद है पहले हम लोगों ने इक्वेशन ए बना के रखा हुआ कहीं पे दैट वाज आउटपुट मैकेनिकल पावर और ये मेरा इक्वेशन बी है दैट इज इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इसको लिखी देता हूं मैं साइड पे दिस इज आवर इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ अ डीसी मोटर एक डीसी मोटर के अंदर बनने वाला इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर यहां पे शोन है पी एन ने इक्व टू बी इंटू आई ए अब करना क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब क्या करना है अब करना यह है सीधे सीधे कि नाउ क्या इस पूरे डेरिवेशन में पावर फाइंड करना हमारा मोटिव था क्या नहीं था हमको फाइंड क्या करना था टॉर्क कितनी बन रही है सिस्टम में तो वो टॉर्क पता लगाना मोटिव है इसलिए डेरिवेशन आगे फिर अभी कंटिन्यू होगा तो वी नो दैट आइडियल केस के हिसाब से इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर फॉर अ डीसी मोटर या कोई भी डीसी मशीन की बात करो ठीक है यानी आप ये चाहते हो आप ये जानते हो कि जितना आप इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर अगर दे रहे हो तो exactly उसी के प्रपोर्शन में उतना ही आउटपुट मैकेनिकल पावर भी मिलना चाहिए आपको ठीक अगर मशीन आइडियल है आप लॉसेस को नहीं कर रहे हो उस केस की बात है ठीक तो यहां पे फ्रॉम भाई देखो फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन ए में तो हम लोगों ने पहले ही आउटपुट पावर निकाल रखा है और इक्वेशन बी अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का डेटा हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ए में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था इक्वेशन ए आउटपुट का पावर था आउटपुट का पावर कितना था? एक देख लो आप जल्दी से जिनको याद नहीं है पी आउटपुट इक्व टू टाउ ए इंटू टू पाई एन अपॉन सिक्सटी तो चलो इक्वेशन ए की वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं दैट इज आवर आउटपुट पावर इट इज टाउ ए इंटू टू पाई एन बाई और इक्वेशन बी में आया हमारा कौन सा पावर इनपुट पावर इनपुट पावर कितना आया फाइंड क्या करने बैठे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू फाइंड करने बैठे हैं ये पूरा का पूरा इक्वेशन इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा बन रहा है तो अब इसको छोड़ के बाकी सबको दूसरे साइड भेज देते हैं साथ ही साथ एक और चीज अगर आपने ई एम एफ इक्वेशन का वीडियो देखने में आपको क्यों बोल रहा था उसकी जरूरत यहां पड़ेगी यहां पे जो बैक ई एम एफ लिखा है EMF, और इसकी कुछ हम लोगों ने में निकाला हुआ था वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए तो अभी मैं लिख सकता हूं क्या अभी मैं लिख सकता हूं कि टाउ ए की वैल्यू मुझे चाहिए देयर फोर वी कैन से दैट देयर फोर वी कैन से दैट tau a should be equal to eb into ia into 60 upon 2 pi n ऐसा बोल सकते हैं क्या भाई इस पूरी वैल्यू के साथ 60 मल्टीप्लाई कर दिया और tau a equals to 2 pi n इसको डिवीजन में ले आया अब eb की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए उसको आपको यहां पे पुट करना है इस पॉइंट पे ठीक है सो so, देयरफॉर इसको और क्या बोल सकते हैं नाउ टाउ ए विल बी इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन सिक्सटी ए यह पूरी वैल्यू ई बी की होती है ठीक है इन टू आई ए इंटू सिक्सटी होल अपॉन टू आई एन ठीक ये वैल्यू कहां से आई इसको मैं एक बार क्विकली यहां पे लिख लेता हूं कि वेयर बैक back emf eb is equals इज where back emf बैक is equals to ई बी इज इक्वस टू फाइव जेड एन अपॉन सिक्सटी ए यह बैक ई एम एफ की जनरेट ई एम एफ की वैल्यू होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट्स कंस्ट्रक्शन फीचर्स के हिसाब से ये वैल्यू होती है और उसी को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इस वैल्यू को ठीक अब जितना कुछ कैंसिल आउट होता है उसको हटा देते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको लिखते हैं देखते हैं टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलती है हमको अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा से सिक्सटी कैंसिल आउट हो गया ठीक एन की वैल्यू भाई ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो ये एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ हो रहा है क्या और कुछ नहीं आउट हो रहा है. तो चलो आगे लिख लेता हूं मैं यहां पे देर फोर द आर्मेचर टॉर्क इज क्या क्या बचा फाइवेड पी आई ए फाइवेड पी इंटू आई ए अपॉन यहां नीचे क्या 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 चीजें बची हुई है टू पाई और ए बस दो ही चीज मिलेगी आपको तो दैट इज टू पाई इन टू इसको ले आते हैं जरा सेंटर पे और इसको कर लेते हैं हाईलाइट इसको कर लेते हैं हाईलाइट ये है हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ टॉर्क जो होता है वो यहां से बन जाता है ठीक मैं जो बात कर रहा था पिछले वीडियो में कि ये आर्मेचर करंट जो होती है उसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है तो आप इस डेरिवेशन के लास्ट में आप देख सकते हो कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है इसको थोड़ा सा अगर अगर मैं आपको और और थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊं तो एक चीज और देख लो काम आएगा ये भी देखो यहां पे क्या होता है ना कुछ कॉन्स्टेंट पार्ट्स हैं और कुछ फ्लक्चुएटिंग पार्ट्स हैं जो बदल रहे हैं टाइम के साथ तो इसमें से जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो नहीं बदलेंगे एक बार मशीन का कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया तो वो चीजें नहीं चेंज होंगी दे आर तो उसको मैं लिख लेता हूं कि वे Z, P, Z, P and A are constants. ये सब कांस्टेंट है ठीक है और हां सिर्फ ए नहीं इसके साथ टू पाई भी बोलना चाहिए टू पाई ए ये पूरा पोर्शन जो है दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट ये इस पूरे का कांस्टेंट पोर्शन है ये चेंज नहीं हो रहा है ठीक तो कौन कौन सी दो चीजें चेंज हो रही है तो आप ये बोल सकते हो इसके बाद आप यहां पे यह लिख सकते हो कि आर्मेचर टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू फाई एंड आई ए आर्मेचर टॉर्क जो है ये प्रोपोर्शनल है फाइ और आई ए के यहां से आप बोल सकते हो कि अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी आर्मेचर करंट की वैल्यू रिड्यूस करते हो टॉर्क की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी सिमिलरली जो फ्लक्स लिंक हो रहा है सिस्टम के साथ वो अगर इंक्रीज होता है ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा तो ज्यादा टॉर्क बनेगी कम फ्लक्स लिंक होगा कम टॉर्क जो है वो बनना शुरू हो जाएगी और इसी वैल्यू के इसी सिस्टम के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई वन पॉइंट टू पाई हालांकि वो अब और ज्यादा इलेब्रेशन हो जाएगा बट ठीक है कोई इशू नहीं आप चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो क्योंकि कई स्टूडेंट जब पढ़ते हैं बुक में तो उनको कुछ वैल्यू के साथ दिया रहता तो वो लोग बोलते हैं कि सर इसमें तो कुछ वैल्यू भी आती थी कुछ जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग तो वो वो कहाँ से आती है तो वो भी समझ लो भाई वन अपॉइंट टू पाई होता है वन अपॉइंट टू पाई को जब आप डिवाइड करके देखना कैलसी में ये समवेयर जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन के आसपास कुछ वैल्यू मिल जाएगी आपको और फिर बाकी सारा जो कुछ है फाइव जेड पी आई ए अपॉन ए इस फॉर्म में भी डिनोट किया जा सकता है तो ये हमारा फाइनल जो है टॉर्क इक्वेशन आ गया यहां से आप बोल सकते हो कि दिस इज दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्मेचर टॉर्क ऑफ आर्मेचर टॉर्क डेवलप्ड इन अ डीसी मोटर स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें पूरी डिटेल के साथ पता होनी चाहिए ये टॉर्क ये ईएमएफ इक्वेशन ये जनरेशन ये सारा कुछ कैसे डेवलप हो रहा है कैसे बन रहा है सिस्टम के अंदर ये सब अगर नहीं पता है तो बहुत चीजों में दिक्कत जाती है आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ आप एस की बात करो आप डीएमआरसी uh, के के एग्जाम दिला लो आप कहीं पे भी ये सब चीजों को आप देख सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर आप निकाल के देख लो मैं आपको ये पेपर के अंदर दिखा सकता हूं कि आप अगर इतनी डिटेल में ये चीजें नहीं पढ़ते हो तो ये कैसे नुकसान करेंगे आपको ये कैसे उस पेपर में किस टाइप से पूछा जाता है आपको नहीं पता कि ये पेपर कैसा सेट होगा किस तरीके से इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो आप अगर सिर्फ वो डेरिवेशन याद करके चले जाते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जब तक आपको उसके पीछे की साइंस उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता रहेगा तब तक दैट इज कंप्लीटली यूजलेस तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है ठीक है तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चीज समझ में आएगा एक बार मैं क्विकली आपको इसका रिव्यू करवा देता हूँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बोर्ड को और एक बार शुरू से ऊपर जाते हैं और शुरू से एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ा हुआ है एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस डेरिवेशन ठीक है तो इस पूरे डेरिवेशन में देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा काफी लंबा चला गया लग रहा है डेरिवेशन ये वाला चलो ठीक है डिटेल में इसको लेके आते हैं और समझते हैं बोर्ड पे चलो इसे ले मैं और हाँ भाई चलो देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया टॉर्क ऑन डीसी मोटर हम लोगों ने अज्यूम किया कि एक सर्कुलर सेक्शन है इस मोटर का जो रोटेट कर रहा है जो आर्मेचर पार्ट है जो जो रोटर के साथ जो प्लेस्ड है जो रोटर पोर्शन में जो प्लेस्ड होता है उसका रोटेशन हम लोग देख रहे हैं तो उसके ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस पूरी मशीन के रेडियस अगर आ है तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है जो जिसके कारण की मशीन क्लॉक वाइस डायरेक्शन में रोटेट करने वाली है और इसकी रोटेशन की स्पीड होगी एन कैपिटल एन ठीक है स्पीड इन पर पर मिनट और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इज़ गिवन एज़ ओमेगा रेडियंस सेकंड यहां पे हम लोगों ने बोला कि भाई डीसी मशीन है तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है और मैकेनिकल पावर इज इन आउटपुट पार्ट तो अब अपन ने अज्यूम किया इसकी एंगुलर वेलोसिटी वाज ओमेगा रेडियंस पर सेकंड

Is फिर मैंने क्या किया अब मैंने बोला कि ठीक है अब जो टॉर्क हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किसी मशीन के अंदर टॉर्क क्या करता है फोर्स जो एक्ट कर रहा है जो रोटेशनल मोशन में उस मशीन को घुमाने के लिए लग रहा है उसी फोर्स की टेंडेंसी उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको टॉर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टॉर्क इज गिवेन एज फोर्स इंटू रेडियस ऑफ द मशीन दैट बिकेम अवर फर्स्ट इक्वेशन रेडियस के हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली हमको फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट मशीन चाहिए और मशीन लीनियरली तो घूम नहीं रही है मशीन तो क्या कर रही है सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो उसकी सरकमफरेंस के फॉर्म में आप शो कर दोगे यहां पे तो फोर्स इंटू टू पाईआर के फॉर्म में मैंने डिनोट कर दिया इसको मैकेनिकल पावर डेवलप करने के लिए मुझको ये पता है कि पावर के लिए हम क्या लिखते हैं अच्छा देखो ये सब ध्यान देना यहाँ यूनिट्स का भी ध्यान देते रहना कि जो मैं टॉर्क लिख रहा हूँ इसकी यूनिट न्यूटन मीटर के फॉर्म में डिनोटेड है न्यूटन मीटर के फॉर्म में है ये मैं बताना भूल गया था अभी मुझे याद आया तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से ये देखते जाना दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन मीटर अब पावर के फॉर्म में हम लोग आते हैं तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द मोटर इज गिवन एज मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है उसको कैसे डिनोट करोगे बिल्कुल नॉर्मल सा चीज है आप वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम

यहां पे मैंने टाउ ए की वैल्यू पुट कर दिया और ये मेरा बन गया आउटपुट पावर इसको हम लोगों ने टर्म कर दिया एज इक्वेशन ए मैकेनिकल आउटपुट पावर ऑफ अ डीसी मोटर आगे बढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर के लिए हम लोगों ने फिर अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिकली सर्किट को अगर मैं देखूं अभी तक मैं मैकेनिकली देख रहा था कि जो फोर्स लग रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अब मैं इसी सर्किट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिकली मुझे क्या दिख रहा है कि एक वोल्टेज मैंने अप्लाई किया उससे एक टोटल करंट जा रही है जो करंट आर्मेचर के अंदर गई एक्चुअल में ये टोटल करंट और आर्मेचर करंट बोथ आर सेम दोनों एक ही चीज है ठीक इस इस केस में फॉर दिस पर्टिकुलर केस तो ये जो टोटल करंट जा रही है जब ये आर्मेचर के अंदर जाती है तो दिस बिकेम आर्मेचर करंट आई ए आर्मेचर है तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगा उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज रजिस्टेंस एम एफ एक्ट कर रही है जो अपोजिंग इन नेचर है ये क्यों ऐसा है वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में और ये पूरा हमारा सेटअप है एक जनरल डीसी मोटर का एक बेसिक डीसी मोटर का तो इसके हिसाब से अगर मैं रिलेशन बोलूं तो इन चीजों का जो रिलेशन है इन सभी क्वांटिटीज का रिलेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा ई ए आर ए टोटल सप्लाई वोल्टेज उसमें से पहला ड्रॉप जो हो रहा है आईएआरए और दूसरा ड्रॉप जो हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप इसको एसट डिफाइन कर सकते हो तो अब यहां से वैल्यू अगर बताऊं तो दैट इज ई बी प्लस आई ए आर ए अब मैं मल्टीप्लाइंग बोर्ड द साइड विद आई ए कर देता हूं यहाँ पेटी आई एज इक्वी आई ए प्लस आई ए स्क्वाय आर ए ये जो आई स्क्वायर आर का फॉर्म है ये पावर लॉस बता रहा है हीट के फॉर्म में जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है दैट इज अ पावर लॉस तो इसको अगर मैं कर दूं क्योंकि मैं अभी आइडियल कंडीशन लेकर चल रहा हूं तो उस हिसाब से यहां पे हो जाएगा मेरा इनपुट पावर रिमेनिंग जो बचेगा दैट इंटू आई ए वेर ये वीटी इंटू आई ए जो है दैट इज नथिंग बट नी इनपुट दिस इज अवर इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर जो कि ई बी और आई ए के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है बैक EMF और आर्मेचर करेंट के हिसाब से चल रहा है ठीक इसको मैंने बी क्वेश्चन लिख दिया दैट इज इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ अ डीसी मोटर क्लियर है फिर हम लोग क्या जानते हैं कि भाई आइडियल केस में मशीन चल रही है जितना आप इनपुट दे रहे हो एक्सैक्टली exactly उतना ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए सो पी इनपुट शुड बी इक्वल टू पी आउटपुट तो वही लिखा हुआ है यहां पे अब जो हमारा इक्वेशन ए और बी था उससे इनपुट और आउटपुट की पावर की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे प्लेस कर दी ठीक यहां से जब वैल्यू पुट करना शुरू किया तो फिर हमारे पास आया ईबी दैट वाज आवर बैक ईएमएफ बैक की वैल्यू रख दिया दैट इज अवर टॉर्क इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर ये टॉर्क इक्वेशन का जो जो सेट था जो डेरिवेशन था वो आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है ठीक फिर भी अगर हम कांस्टेंट्स और फ्लक्चुएटिंग पार्ट्स के हिसाब से देखें क्योंकि मैंने जब आपको बैक ईएमएफ का जो जिस वीडियो में जब मैंने समझाया तो मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि आर्मेचर करंट के ऊपर कैसे टॉर्क डिपेंड करती है तो मुझे इसलिए यह चीज दिखाना पड़ा यहाँ पे आपको कि जब मैं को अगर हटा दूसटेंट्स को अगर मैं समझ लूं कि ये तो किस्टेंट ही है तो चेंज नहीं हो रहा है तो फिर ये टॉर्क को कंट्रोल कौन कर रहा है बेसिकली तो किन फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है वो दिखाने के लिए मैंने आपको फिर यह चीज इसको आगे एक्सटेंड किया और लिखा कि आर्मेचर टॉर्क जो है वो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है और आर्मेचर करंट के हिसाब से के ऊपर डिपेंड कर रही है ठीक है और और इलेबरेट करना चाहो तो वन अपॉइंट टू पाई को आप सॉल्व करके जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन के फॉर्म में लिख सकते हो हालांकि आपका डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो चुका था दिस वाज द एंड ऑफ द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर सो आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये चीज समझ में आया होगा ये सेशन आपको ये समझ में आया होगा कि टॉर्क इक्वेशन क्या होती है वॉट इज टॉर्क टॉर्क का इक्वेशन कैसे बनता है एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है टॉर्क इक्वेशन बनाने के शॉर्टकट तरीके दस दस है बहुत सारे हैं ठीक है थीके? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में समझो और बिल्कुल अच्छे फॉर्म में उस चीज को एक्सप्रेस कर सको जब भी आपके एग्जाम्स में आए और एक बार आप पूरा डिटेल में टिल द हो ना तो फिर आप उसको कितना भी शॉर्ट चाहो अपने हिसाब से बना सकते हो दैट इज एंटायरली अप टू यू तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं बिना डिले किए जल्दी से एंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जहां पे हम स्टार्टिंग ऑफ डीसी मशीन और डीसी मशीन की वाइंडिंग्स के बारे में भी कुछ बातें करने वाले हैं सो स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स इन दिस सीरीज आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे खासे वीडियो आने वाले हैं जिसमें बहुत सारा कुछ कंटेंट मिलेगा और अच्छा कुछ आपका नॉलेज इंक्रीज होगा कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे हम लोग और बने रहिएगा आप हमारे साथ इस सीरीज में जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स